Hello guys, welcome to the world of Professor X. आज का वीडियो काफी स्पेशल है. Today we are going to learn how to use vegetables, fruits in spoken English. Yes, फल और सब्जी सिर्फ खाने के लिए नहीं होते हैं, बातों के लिए भी होते हैं. हमारे हिंदी में तो कम है, इंग्लिश में ज्यादा होता है. Over there in the western countries, they love their fruits and vegetables. और इसी को लोग अपनी भाषा में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. एंड सिंस यू आर गोइंग टू लर्न टू स्पीक फ्लुएंट फंटास्टिक फ्री फ्लोइंग इंग्लिश, तो ये सब तो आपको जानना चाहिए. चलो लेट्स डाइव इनटू दिस. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एप्पल्स. यस, नहीं आपका फोन नहीं, प्लीज, एप्पल्स खाने वाला. यस, सेव. और इसे आपले नहीं कहते, एप्पल्स कहते हैं. आप तो मान हो, हिंदी में बोल लेते हो, चल जाता है कि भाई आपले ये क्या था. चलो, तो एप्पल्स व्हाई? बिकॉज थ्रू आउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इन ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, एप्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट फॉर देम. ऑब्वियसली हम जानते हैं एप्पल उनके बाइबल में आया था, ईव ने एडम को खिलाया था. नेक्स्ट एप्पल तो हम जानते हैं न्यूटन के सिर पे गिरा था और ग्रेविटेशन सबको पता चल गया. और तीसरा एप्पल तो हम जानते हैं सर स्टीव जॉब्स का है, बहुत महंगा है लेकिन जरूरी है. द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्पल्स दैट चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो एप्पल से शुरू करते हैं. पहला फ्रेज जो है, जो ज्यादा बोला जाता है, कहा जाता है, इज कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. यस, ये दोबारा मैं बोल रहा हूं आपके लिए, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कब इस्तेमाल होता है? जब आप दो एकदम ही अलग, एकदम ही डिफरेंट, यूनिक चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करोगे तब आप कहते हो इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ब्रिटेन में क्या कहते हैं लोग? कंपेयरिंग चॉक एंड चीज. या हमारे यूरोप में लोग क्या कहते हैं? कंपेयरिंग एन एप्पल विद एन ऑयस्टर, क्योंकि दो अलग चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू ट्राइंग टू कंपेयर वीके, यस, विराट कोहली, अनुष्का नहीं है घर पे है, तो विराट कोहली विथ, यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. किक गलत हुआ ना, एक फुटबॉल खेलता है, एक क्रिकेट खेलता है. हाउ कैन यू डू दैट? तो इन दोनों को कंपेयर करना इज नॉट राइट. इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. Same way, comparing Sachin Tendulkar with the late, great Don Bradman will be wrong, because he was great in his era, Sachin was great in his era. Galat ho gaya. Mana dono cricket khelte hain, lekin era alag the, timeline alag tha. So it's like comparing apples and oranges. Dono alag way se kaam karte the. Hai ki nahi? Dekha kitna achha phrase hai, istemal kariyega. Aage, apple of one's eye. Ye kab istemal hota hai? Pay attention. Whenever a person is liked, past tense, ed, liked by someone, that liked person is called as apple of someone's eye. Yes, jaise aap, yes, aap are the apple of your mother's eye. Aye, aye, dekho, sharma gaye. Hey, mummy hai. You're the apple of your father's eye. Hope so. Masti mazak mat karna unke samne aata. You're the apple of your special someone's eye. Dekha, kitna acha lagta hai bolna, apple of one's eye. Right? Moving on. Next, aapke liye hai bad apples. Nahi, main de nahi raha hu aapko kuch kharab apples. Kehte hain bad apples. Matlab kya hota hai uska? Bad apples ka matlab hota hai those actors, real mein acting karne wale log nahi, those people in a process who are not doing anything good for the end result. इसे हम उन्हें कहते हैं these are bad apples. ये हमारे काम में किसी काम नहीं आने वाले हैं, ये बेकार हैं. क्या बोलते हैं उसको? बकवास. Exactly. तो you must be having certain few bad apples in your office. नहीं यहाँ मत देखो, ऐसा होता है. These days we have certain bad apples in our friends group. ये रहा हूँ, bad person. तो बैड एप्पल्स उसी में से आता है. अ रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बंच. एक बुरा इंसान, एक अनप्लेजेंट पर्सन, एक विलेनस पर्सन पूरे ग्रुप को बिगाड़ के रख देता है. यस, जैसे आप. नहीं नहीं, आप तो अच्छे हो. जैसे मैं तो हो ही नहीं सकता, अच्छा हूं मैं तो. बट अ रॉटन एप्पल, यस, एक बुरा इंसान पूरे बंच को बिगाड़ देता है. राइट, लर्निंग नाउ. आगे बढ़ते हुए क्या कहते हैं वो अगले फ्रेज को? एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री. इसका मतलब चिल्ड्रन
always tend to take on the characteristics and features of their parents या of their guardians of the galaxy, नहीं बेटा ध्यान दो, या of their mentors, of their teachers, of the environment, जैसा देश वैसा भेस हो जाता है, जैसा माहौल वैसा ही आपका हाल. तो an apple doesn't fall from the tree, whatever you are tends to be what the exactly circumstances you live in are. देखा, अच्छा लगा. Next is upset the apple cart. Yes, upset the apple cart. एक ऐसा ड्रामा भी था शायद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था इंग्लैंड में. ड्रामा नहीं पढ़ते हो, सिर्फ करते हो, नहीं सुनोगे. तो अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है टू डू समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल, टू डू समथिंग दैट रियली अपसेट्स, डिस्टर्ब्स द एंटायर प्रोसेस. तो डोंट अपसेट द एप्पल कार्ट. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, दे अपसेट द एप्पल कार्ट बाय बिहेविंग इन अ बैड मैनर या स्पॉइलिंग अवर प्लान्स. कई बार होता है, हम फैमिली में देखते हैं, कोई अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा था एंड रिलेटिव्स आके पता नहीं ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं दैट दे अपसेट द होल सेटअप. सेम वे हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस करते हैं. यस, दे ऑलवेज डू सर्टन थिंग्स विच अपसेट, डिस्टर्ब्स द एंटायर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. दे हैव अपसेट द एप्पल कार्ट. ऑफिस में तो कितने बार देखा है. यस, द ऑफिस पॉलिटिक्स, राइट. आगे आगे बढ़ते हो. नेक्स्ट इज एज अमेरिकन एज एन एप्पल पाई. यस, इट्स अ पॉपुलर एक्सप्रेशन. मतलब उसका होता है ऐसी चीजें करना जो टिपिकल अमेरिकन है. यस, अमेरिकन पाई नहीं, प्लीज कम बैक, पढ़ाई करनी है, कहाँ पहुंच गए. तो एप्पल पाई इज अ टिपिकल अमेरिकन फूड. तो आप जब कुछ ऐसी हरकतें करते हो जिससे लोगों को प्योरली कंप्लीटली अमेरिका की याद आ जाए, अमेरिका उनको माइंड में आ जाए, तो उसे कहते हैं एज अमेरिकन एज एन एप्पल पाई. जैसे कि आपने कहा कि भाई आई लव प्लेइंग बेसबॉल, आई लव वॉचिंग बास्केटबॉल, आई जस्ट लव मार्वल मूवीज. यस आई डू, डीसी, बाय बाय, ओह सॉरी. तो इसको कहते हैं एज अमेरिकन एज एन एप्पल पाई. ठीक है, कितना अच्छा था. नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, हाउ डू यू लाइक देम एप्पल्स नाउ. हाउ डू यू लाइक देम एप्पल्स नाउ, नहीं समझ में आया, हाउ डू यू लाइक देम एप्पल्स नाउ. देखा कितना अच्छा एक्सप्रेशन है. ये कब इस्तेमाल होता है, व्हेन यू आर बोस्टिंग अबाउट एन अचीवमेंट, व्हेन यू आर बोस्टफुली एक्सप्रेसिंग अबाउट सम अकम्प्लिशमेंट. आपने कुछ हासिल किया है और उसको आप बड़े ही प्राउड वे में सबके सामने उजागर कर रहे हो, तब हम कहते हैं हाउ डू यू लाइक देम एप्पल्स नाउ. यस, एसआर के याद आ गए, वापिस आ जाओ. तो ये थे आपके एप्पल्स. अब आगे बढ़ते हैं बनानास. यस, बनाओ मत मुझे, चलो आगे. तो बनानास नेक्स्ट आपके लिए हम लाए हैं. बनानास, यस, मुझे मत बनाओ, बनानास केले खाना चाहिए रोज, ताकत बढ़ती है. तो यस, उसमें इंग्लिश में काफी फ्रेजेस मुहावरे बनते हैं. लाइक आई सेड, दीज वेस्टर्न पीपल लव देयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो पहला है आपके लिए देखो बनानास. नहीं, पागल पने का झटका नहीं लगा है मुझे, हालांकि रोज लगता रहता है, चुप. तो इसको कहते हैं टू गो बनानास, मतलब टू गो बॉन्कर्स, टू गो क्रेजी, टू बिकम अ मेनियक, पागल हो जाना. तब ये फ्रेज का हम इस्तेमाल करते हैं कि दीज किड्स टूडे हैव गॉन बनानास. एट टाइम्स वेन पीपल लूज समथिंग दे टेंड टू गो बनानास. यस, देखा कितना अच्छा फ्रेज था. नेक्स्ट आपके लिए द टॉप बनाना. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको ये सुनने को मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजिशन पे, सुप्रीम सुपीरियर पोजिशन पे पर्सन होता है उसे हम कहते हैं ही इज द टॉप बनाना. यस, इस पूरे के पूरे हायरार्की में, यस, इस पूरे के पूरे पैकिंग ऑर्डर में ही इज द टॉप बनाना. यस, टॉप ऑफ द फूड चेन, एग्जैक्टली. नेक्स्ट इज बनाना रिपब्लिक. अच्छा, शॉपिंग के लिए तैयार, खुश? नहीं, वो पूरा का पूरा आपको सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा उसके लिए, हेडक्वार्टर वहीं है, कपड़े नहीं दिला रहा हूँ मैं, ध्यान दो.
बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है, दो मतलब है, एक तो जो टर्म है पॉलिटिकल टर्म है कि इट्स अ कंट्री विच इज हाईली डिपेंडेंट ऑन सर्टन रॉ मटेरियल्स एंड इट एक्सपोर्ट्स देम अर्न्स मनी एंड देन द पीपल हु आर अर्निंग मनी बाय एक्सपोर्टिंग इट गेट्स एक्सप्लॉयटेड बाय द पावर्स टू बी, पावर्स टू बी वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार पैसा खा जाती है, यस एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं बनाना रिपब्लिक, अ कंट्री स्लोली स्टेडली बट श्योरली टर्निंग इनटू अ करप्ट नेशन, बनाना रिपब्लिक। और दूसरा मीनिंग इसी में से निकलता है कि पूरा का पूरा फंक्शनिंग ऑफ द सरकार जो है, पूरा का पूरा फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है, वो पूरी तरह अब करप्ट हो चुका है, बेकार हो चुका है। माना वो कंट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्टिंग से रेवेन्यू अर्न करने पे डिपेंडेंट नहीं है, बट देश पूरा अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है। इंडिया वी डोंट नो, बट उसे कहते हैं बनाना रिपब्लिक। यस, देखा कितना अच्छा तरीका है बोलने का, सीख लो काम आएगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज चेरी। आए हाय चेरी, कहा नहीं कि देखो स्माइल, आए हाय वेरी गुड। तो एक होता है आपके लिए टू चेरी पिक। चेरी पिक का मतलब होता है बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेना, क्या कहते हैं उसे, बड़ा चूजी होना, बड़ा पिकी होना। जैसे हमारे आमिर खान है, बड़े सोच समझ के मूवीज करते हैं, पूरे साल में एक मूवी करते हैं लेकिन अरे पूरा दंगल करते हैं। यस एग्जैक्टली, तो लोगों की हरकत होती है, लोगों की आदत होती है कि वो बड़े चेरी पिकिंग होते हैं। यस टू चेरी पिक, बड़े सोच समझ के जो सबसे यूनिक चीज है उसी को एक्सेप्ट करना, चूज करना। यस नेक्स्ट इज टू पॉप समवन्स चेरी का मतलब पहली बार कोई काम करना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आज हमारे इस फ्रेंड ने पहली बार गाड़ी चलाई और ठोक भी दिया, क्या होगा इसका, चलो गाड़ी वापस रख दे। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे टुडे वन ऑफ माय फ्रेंड पॉप्ड हिज ड्राइविंग चेरी। अरे टुडे वन ऑफ माय अदर फ्रेंड पॉप्ड हिज स्काई ड्राइविंग चेरी। यस, कब से उसको प्लेन से कूदना था, किधर जा रहा है, पैराशूट टूट गया, फट गया, बाय बाय। इसको कहते हैं टू पॉप समवन्स चेरी, कोई काम पहली बार करना। और नेक्स्ट, तो आप जानते हो भैया क्या आने वाला है। यस, नीचे मत देखो, यहाँ देखो, केक दिख रहा है आपको तो बस, और केक पे क्या होता है, यस केक पे तो सर वो एक चेरी होती है जिसके हम सब लड़ते झगड़ते हैं कि मुझे मिल जाए। यस, तो उसे हम कहते हैं चेरी ऑन वन्स केक। यस, और क्या है उसको कहने का तरीका, आइसिंग ऑन द केक, द फ्रॉस्टिंग ऑन द केक। यस, द क्रीम, द एक्स्ट्रा क्रीम ऑन द केक, हिंदी में कहते हैं सोने पे सुहागा। कब इस्तेमाल होता है चेरी ऑन द केक, तब जब कोई आपने काम किया है बट उस काम में आपने कुछ एक और ऐसी चीज कर दी है जिससे पूरा का पूरा काम अब सुभान अल्लाह हो गया है, माशा अल्लाह हो गया है, एकदम परफेक्ट हो गया है। तो एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा विच हेल्प्स टू क्रिएट द एंटायर वर्क ब्यूटिफुल वंडरफुल, बस चेरी ऑन द केक। स्कूल आप गए हो, कॉलेज गए हो, इंग्लिश आई, दीज वीडियोज कैन बी द चेरी ऑन द केक। सीखा है इंग्लिश लेकिन अब ये वीडियो से आपको और अच्छी इंग्लिश आएगी। यस, तो साथ में केक खाएंगे, नहीं क्या करते हो। तो ये थे आपके अच्छे अच्छे वीडियोज, हमारा काम बाद में आपका बोनस। यस, तो हमारा काम बड़ा आसान है, please do subscribe to the channel, click on the bell icon, join our playlist of how to speak Hindi phrases into English, and most importantly do like, comment and share this video. Or please do comment on our videos. आप comment ही नहीं करते, कैसे लोग हो, अरे comment करोगे तो we'll come to know exactly कौन से और topics पे आप चाहते हो कि हम videos shoot करें, exactly डर जाते हो। तो आपका बोनस क्या है, बोनस आपके लिए काफी अच्छा है। मैंने पहले भी कहा था इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, ओके, इंग्लिश इज अ कल्चर, लिव इंग्लिश, ब्रीद इंग्लिश, तभी तो थिंक वॉक इंग्लिश हो पाएगा। तो इंग्लिश को जानने के लिए एक और अच्छा तरीका होता है,
वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, राइट? तो बहुत अच्छी मूवी है, सजेस्ट कर रहा हूँ, जरूर देखिए। इंग्लिश उसमें काफ़ी अच्छी है, डायलॉग्स काफ़ी अच्छे हैं, सुनोगे समझोगे मजा आएगी। 93 की मूवी है, ऑब्वियसली हॉलीवुड मूवी है, टॉम हैंक्स, देखा आपको समझ में आ रहा है, यस द ऑस्कर विनर भाई साहब हमारे, द बेस्ट एक्टर वहाँ के, यस वहाँ के आमिर खान, देखा अब समझ में आ रहा है। तो उनकी एक मूवी थी फिलाडेल्फिया, यस सिटी भी है वहाँ पे, वैसे फिलाडेल्फिया का मतलब होता है सिटी ऑफ ब्रदरली लव, यस बड़ा प्यार है वहाँ पे, सब एक दूसरे को चाहते हैं। तो फिलाडेल्फिया जरूर देखिए, 93 की मूवी है, ऑस्कर विनिंग मूवी है, उसमें डेंजल वॉशिंगटन भी है, यस वन ऑफ द फेवरेट, माय फेवरेट ब्लैक एक्टर्स, अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर्स डेंजल वॉशिंगटन, और उसमें आपको इंग्लिश बहुत अच्छी मिलेगी, टू थम्स अप। एग्जैक्टली, तो मिलते हैं अगली बार, सी यू गाइस।